हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज फिर आपके लिए डेटा सफिशिएंसी का एक और सेशन, रीजनिंग एबिलिटी का मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि कल डेटा सफिशिएंसी का किसके लिए, फॉर आईबीपीएस आरआरबी प्री 2018 के स्टूडेंट्स के लिए डेटा सफिशिएंसी रीजनिंग का सेशन आपके लिए लेकर आया था। सवाल का लेवल वही था लगभग जैसा कि एसबीआई क्लर्क प्री में आपको दिखाई दिया था, तो अच्छे लेवल का था। उस लेवल के सवाल अगर आप समझ गए हैं, आपने अच्छे से देख लिए, तो आरआरबी प्री के लिए आप बिल्कुल सेट है डेटा सफिशिएंसी के मामले में। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी ये क्वांट की नहीं है, डेटा सफिशिएंसी ये रीजनिंग एबिलिटी सब्जेक्ट की है। तो उसी का एक और सेशन मैं आज लेकर आया हूं, जिसमें हम चार सवाल और डेटा सफिशिएंसी के देखेंगे कि किस तरह अलग अलग टॉपिक से डेटा सफिशिएंसी के सवाल पूछे जाते हैं। तो और ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा सेशन में एंटर करते हैं अपने। ठीक है, पहला सवाल आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जल्दी से देखिए। व्हाट डज आर ए मीन इन द कोड लैंग्वेज? आर ए का ओरिजिनल वर्ड क्या है? आर ए कोड वर्ड है, ये किसका कोड वर्ड है, ये हमें बताना है। तो डेटा सफिशिएंसी में हमें ऑलरेडी पता है कि हमें फाइनल आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, फाइनल आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। बस ये पता होना चाहिए कि आंसर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, मतलब क्या एक स्टेटमेंट से ही आंसर निकल जाएगा, या दो से ही निकल जाएगा, या दोनों को मिला के भी नहीं निकलेगा, या अलग अलग से भी निकल जाएगा, या अलग अलग से नहीं निकलेगा, ये सारी बातें हमें पता रहनी चाहिए। तो अभी हमें किस पे फोकस करना है, सिर्फ आर ए पे फोकस करना है। तो पहले वाले में देखते हैं आर ए आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। दूसरे वाले में आ रहे आ रहा है, नहीं आ रहा। अब दूसरे में आ रहे नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसका कोड नहीं पता कर सकते। अब आप फोकस कीजिए, एक और तरीका होता है कोड फाइंड करने का, बचे हुए वर्ड्स को देखने का। एस टी और क्यू एम क्या सेकेंड वाले सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, एस टी और क्यू एम दोनों आ रहे हैं। अब एस टी और क्यू एम दोनों इसमें कॉमन आ रहे हैं, तो इस सेंटेंस के अंदर आपको दोनों का पता चल जाएगा, एस टी और क्यू एम दोनों का। अब एस टी और क्यू एम का पता चल गया तो बचता क्या है, सिर्फ आर ए ही बचता है। तो आर ए का कोड लैंग्वेज में ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा? एस टी और क्यू एम इन दोनों में देख लीजिए कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आएगा लुक एट कॉमन आएगा। अगर लुक एट कॉमन आ जाएगा तो बचा हुआ क्या रहेगा, मी। तो इसका मतलब आर ए किसका है, मी का है। तो पहले वाले से आप बिल्कुल निकाल पा रहे हैं। अब सेकंड में देखते हैं, आर ए आ रहा है, बिल्कुल पहले में ही आ रहा है। दूसरे में आ रहा है दूसरे में भी आ रहा है। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें? और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो कॉमन वर्ड देख लीजिए सिर्फ कौन सा है, कॉमन वर्ड सिर्फ मी है। तो आर ए का कोड आपको सेकंड से भी इंडिविजुअली पता चल पा रहा है, मतलब इंडिविजुअली आप स्टेटमेंट वन से भी आंसर दे पा रहे हैं और इंडिविजुअली स्टेटमेंट टू से भी आंसर दे पा रहे हैं। तो इस तरह से जब आप पहले का सिर्फ अकेले सिर्फ पहले स्टेटमेंट का यूज देके आंसर दे पाए, या फिर सिर्फ दूसरे का भी अकेले में यूज करके दे पाए, तो आंसर क्या होता है, आइदर और वाला, आइदर स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो मतलब पहले स्टेटमेंट जो इंफॉर्मेशन है, पहले स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसकी यूज करें तो भी आंसर आ जाएगा, और स्टेटमेंट टू में जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसका यूज करें तो भी आंसर आ रहा है। तो आपने देखा कोडिंग डिकोडिंग का सवाल था, बहुत ही ज्यादा इजी लेवल का सवाल था, कुछ सॉल्व करना नहीं पड़ा, सिर्फ देख के ही 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर होने वाला सवाल है। ठीक है, देख लिया, सॉल्व हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी, जल्दी से देखिए, ब्लड रिलेशन का सवाल है, थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे। हाउ इज सरिता रिलेटेड टू राजेश? सरिता का संबंध बताना है राजेश से, सरिता किस प्रकार संबंधित है राजेश से, हाउ इज सरिता रिलेटेड टू राजेश। तो सबसे पहले पहली इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, सोनी इज द नीस ऑफ सरिता, हु इज द कजिन ऑफ राजेश। सोनी इज द नीस ऑफ सरिता, सोनी क्या है, नीस है किसकी, सरिता की। अगर सोनी नीस है तो इसका मतलब क्या है, माइनस है। ठीक है, अब नीस है, इससे क्लैरिटी नहीं आती, कई कॉम्बिनेशन बनती है, और दूसरा कजिन वाली बात भी आ गई, कजिन ऑफ राजेश, कजिन भी एग्जैक्ट रिलेशन नहीं बताता। तो सरिता और राजेश का इससे एक्यूरेट आंसर आने का चांस बढ़ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नीस भी एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा है, और क्योंकि अपने को सरिता का अभी तक पता नहीं चला है क्या है।
ठीक है, सरिता का नहीं पता चला। और दूसरी बात, कजिन ऑफ राजेश बोला गया है तो इससे भी पॉसिबिलिटियां बन रही है, तो एक्यूरेट एग्जैक्ट आंसर पहले वाले से तो आना पॉसिबल नहीं लग रहा है, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख के ही हम बता पा रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड देखेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। स्वर्णा इज सिस्टर ऑफ सरिता, स्वर्णा क्या है, सरिता की बहन है, ठीक है, माइनस हो गया। हु इज दी, सरिता मतलब सरिता के बारे में बोल रहा है, हु इज दी वाइफ ऑफ ओम, सरिता किसकी बीवी है, ओम की बीवी है, तो इसका मतलब ये प्लस है, ये बीवी है तो ये माइनस है, बिल्कुल यहां तक आ गया। ओम इज दी फादर ऑफ राजेश, ओम किसका पिता है, राजेश का पिता है, ओम राजेश का पिता है। हमें रिलेशन किस किस में बताना था, सरिता का क्या रिलेशन है राजेश से, तो सरिता क्या आ रही है, सरिता का क्या रिलेशन आ रहा है राजेश से, सरिता आपके राजेश की मदर आ रही है, सरिता राजेश की, तो डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है। पहले वाले स्टेटमेंट की तरह नहीं कि कई पॉसिबिलिटियां बन रही थी, एक ही पॉसिबिलिटी से आपका फटाफट सी फैमिली ट्री बन रहा है और सरिता और राजेश के बीच में रिलेशन पता चल पा रहा है। कोई प्रॉब्लम है, सुवर्णा इज सिस्टर ऑफ सरिता, हु इज दी वाइफ ऑफ ओम, और सरिता और राजेश में तो बताना था, बस कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम आंसर आ रहा है। तो सिर्फ स्टेटमेंट टू से आपका आंसर आ रहा है, ओनली टू से आपका आंसर आ रहा है, पहले से तो कुछ नहीं निकल पाएगा। ठीक है, क्लियर है, घबराने की जरूरत नहीं। ब्लड रिलेशन में जैसी कजिन वजिन की बात होने लग जाए, जैसी कजिन की बात हो जाए, उस चीज को तो वहीं छोड़ दीजिए कि सिर्फ अकेले उससे निकलने के कोई चांस है, कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि कजिन आपका डेफिनेट रिलेशन नहीं बताता है, जैसे कि मदर फादर ब्रदर सिस्टर बताता है, वैसे कजिन डेफिनेट रिलेशन नहीं बताता। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर ये सब आ जाता, ठीक है, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर ये सब आ जाता तो भी इससे भी क्लियर नहीं होता, क्योंकि पैटर्नल ग्रैंड फादर है या मैटर्नल ग्रैंड फादर है, ये सारी चीजें हमें क्लियर नहीं है। ठीक है, और ये चीजें क्लियर नहीं है तो इसका मतलब उस सिर्फ इंफॉर्मेशन से हम आंसर नहीं दे सकते, तो पहला तो कैंसिल हो गया, दूसरे वाले से आंसर अकेले से निकल पा रहा है, तो ऑप्शन बी ओनली टू। ठीक है, आगे बढ़े, तीसरा सवाल पढ़िए, तीसरा सवाल पढ़िए, रैंकिंग का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। व्हाट इज एम्स रैंक इन द क्लास ऑफ 40, तो आपको टोटल बच्चे कितने हैं 40, ये दे दिया है, एम की रैंक पूछिए। ठीक है, अब एम की रैंक निकालनी है और टोटल बच्चे 40 दे दिए, ठीक है, तो किसी भी साइड से मतलब टॉप और बिलो से किया है, किसी भी एक पोजीशन से अगर एम की पोजीशन पता चल जाती है तो हम एम की रैंक आराम से फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो चेक करते हैं। फर्स्ट देखते हैं, एस हु इज 9th फ्रॉम द टॉप, टॉप से 9th है कौन, एस, ठीक है, इज अबव आर बाय 12 रैंक्स, 12 रैंक का किस किस में फर्क है, एस और आर में, और एस ऊपर है तो 12 का इधर फर्क दे दिया। हु इज बिलो एम, हु इज बिलो एम बाई 5 रैंक्स, मतलब एम एस और आर के बीच में कहीं पर है और इन दोनों के बीच में 5 का फर्क है। ठीक है, तो टॉप से हम एम की पोजीशन बता पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये हमें फर्क पता है, ये 5 है तो ये 7 आ गया, ये बीच का 9 है, तो टॉप से आप पोजीशन बता पाएंगे। अगर टॉप से पोजीशन पता चल गई तो बिलो से भी एम की रैंक बता सकते हैं, टॉप से भी बता सकते हैं, दोनों से पता चल सकती है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब ये नहीं कि हम एग्जैक्ट निकालने बैठ जाएंगे, अगर आपने रैंकिंग के सवाल किए हैं, अगर आपने रैंकिंग के सवाल किए हैं तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी देखने में कि स्टेटमेंट वन से आराम से आंसर निकल सकता है, ये नहीं कि आंसर निकालने बैठ जाएंगे, आंसर निकालने नहीं बैठ रहे, पर ये पता चल चुका है कि आंसर कैसे निकलेगा, आंसर कैसे निकलेगा ये पता चल चुका है, क्यों, क्योंकि टोटल कितने स्टूडेंट्स है ये ऑलरेडी हमें पता है, टोटल स्टूडेंट्स हमें ऑलरेडी पता है, और यहां पे तो शायद टोटल स्टूडेंट की भी जरूरत नहीं पड़ी। ऊपर से एस हु इज 9th फ्रॉम द टॉप इन दी क्लास, टॉप से 9वें नंबर पे एस है, आर से 12 रैंक ऊपर है तो आर की पोजीशन आ गई, एम हु इज अबव आर बाय, अब ये बोला गया कि आर एम से 5 रैंक नीचे है तो एम कहां जाएगा, 5 रैंक ऊपर, अब ये 5 रैंक है तो इसका मतलब एस और आर के बीच में आ गया। इस तरह से टॉप से तो आप सीधा इसी इंफॉर्मेशन से आराम से आंसर निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन वन अलोन से आराम से आंसर निकाल पा रहे हैं। ठीक है, एन हु इज बिटवीन एम एंड क्यू इज 15th फ्रॉम द टॉप, अब बीच में है, अब कहां पर बीच में है ये कहीं भी नहीं बता रखा,
अब क्या बोल रखा है कि एन हु इज बिटवीन एम और क्यू, एम और क्यू की कोई पोजीशन रही होगी, उसके मिडल में एन है और एन की पोजीशन बॉटम से 15वां बता रखा है, 15th बता रखा है। इससे अब एम का पोजीशन कहीं नहीं पता चल पा रहा, ना एम की पता चल पा रही, तो इससे तो कहीं कोई ना एम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ना क्यू के बारे में। तो जब तक एम के बारे में भी नहीं होगी, क्यू के बारे में भी नहीं होगी, तो कैसे आंसर निकालेंगे बताइए? कुछ नहीं निकाल पाएंगे, ना एम के बारे में इंफॉर्मेशन है ना क्यू के बारे में, तो दूसरे से बिल्कुल कुछ भी नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, दूसरे से हम कुछ भी नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि एम और क्यू की पोजिशनिंग हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। ठीक है, तो सेकंड से नहीं, सिर्फ पहले पहले से आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगर रैंकिंग के आपने सवाल किए तो बहुत जल्दी कर लेंगे इसे, कोई इतनी परेशानी नहीं होगी जितना आपको लग रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, फाइनल चौथा सवाल देखेंगे, बहुत इजी सवाल है, डायरेक्शन सेंस का सवाल है। देखिए, पॉइंट वाई इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई किस पोजिशन में होगा, जहां पर भी होगा वाई। ठीक है, वाई की पोजिशन बतानी है कि किस रेस्पेक्ट में, जैसे यहां पे मैं वाई की एक्स के रेस्पेक्ट में वाई की इसके हिसाब से किस पोजीशन में आ रही है, जैसे मैंने रफली बनाया तो नॉर्थ में आ रही है, उसी तरीके से हमें बताना है कि वाई की पोजीशन एक्स के रेस्पेक्ट में कहाँ होगी, एक्स को अगर ओरिजिन लेंगे तो पहला वाला सॉल्व करते हैं। पॉइंट ए इज ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट ए कहां पर है, ईस्ट ऑफ पॉइंट बी एंड नॉर्थ ऑफ पॉइंट एक्स, नॉर्थ ऑफ पॉइंट एक्स, तो एक्स नीचे, एक्स के तो नॉर्थ में और बी के ईस्ट में है पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट वाई इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट ए, नॉर्थ वेस्ट कहां होगा, ये आपका नॉर्थ वेस्ट होगा क्योंकि ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो इसके बिल्कुल मिडल में नॉर्थ वेस्ट होगा, तो नॉर्थ वेस्ट यहां कहीं है, क्या आएगा यहां पर, वाई बता रहा है। ठीक है, अब पॉइंट वाई की डायरेक्शन आप बता पा रहे हो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एक्स, बिल्कुल बता रहे हैं, इसको ओरिजिन ले लिया, इसको आपने वाई ले लिया, ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो क्या आंसर आ गया, नॉर्थ वेस्ट आ रहा है बिल्कुल, इससे पहले से निकाल पा रहे हैं। दूसरे से भी चेक कर लेते हैं, पॉइंट एक्स इज ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट एक्स कहाँ है, ईस्ट है और ए के नॉर्थ में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट वाई इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, अब पॉइंट वाई नॉर्थ है पॉइंट बी के, अब वाई यहां भी हो सकता है, क्या पता ज्यादा और नॉर्थ जाएंगे तो यहां भी हो सकता है, अब इससे फर्क क्या आएगा, अगर ये नीचे रहेगा तो वाई की पोजीशन एक्स के रेस्पेक्ट में साउथ हो जाती है, अगर वाई ऊपर आएगा तो वाई की पोजीशन एक्स के रेस्पेक्ट में नॉर्थ हो जाती है, तो दो दो आंसर आ रहे हैं, तो इसका मतलब सेकेंड वाले में सफिशियंट डेटा नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा ओनली वन। ठीक है, ओनली वन, आराम से, तो ये भी कई बार ट्रिक दे देते हैं, कई बार आपको थोड़ा सा आगे तक सॉल्व करके देखने की जरूरत पड़ जाती है, थोड़ी सी ट्रिकी हो जाता है, जैसे कि आपने अभी देखा डायरेक्शन सेंस में, एंड तक अगर आप नहीं निकालते सिर्फ ऐसे ही छोड़ देते तो आपको लगता कि शायद आंसर आ जाए, पर आंसर नहीं आ पा रहा, अगर दो दो आंसर आ रहे हैं इसका मतलब आपके पास डेटा सफिशियंट नहीं है, आंसर हमें सिर्फ एक ही चाहिए। ठीक है, तो ये चार सेशन आज डेटा सफिशियंसी के अलग अलग टॉपिक से, कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस, ठीक है, और रैंकिंग, चारों टॉपिक्स है आपके, जिन टॉपिक्स में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है डेटा सफिशिएंसी के सवाल आने के, उसका एक एक सवाल आपके लिए लेकर आया था, और आपको लेवल बताया था कि बहुत इजी लेवल का रहता है, कोई मुश्किल नहीं आती है, बस घबराने की जरूरत नहीं, और ये ध्यान में रखना है कि कभी भी हमें फाइनल आंसर निकालने की जरूरत नहीं, अगर हमें ये पता चल पा रहा है कि इससे आंसर एक एग्जैक्ट आंसर आ रहा है तो क्वेश्चन को वहीं छोड़ दीजिए क्योंकि हमें उतना ही निकालना है। इस सेशन से आपको कुछ भी डाउट रहे तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए, IBPS RRB Prelims की ये हमारी 30 डे क्रैश कोर्स की सीरीज में ही इंक्लूडेड है ये वीडियो। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस बार आप लोगों के लिए, इसलिए मैं दूसरा वीडियो, मैंने सोचा एक की क्यों लाए, दूसरा भी लाए, और आने वाले टाइम में शायद मैं और भी डेटा सफिशिएंसी के सवाल डालता रहूँ। ठीक है, और कोई रीजनिंग का टॉपिक जो आपको लगता है जिसपे ज्यादा सवाल ज्यादा वीडियोज मुझे बनाने की जरूरत, तो प्लीज सजेस्ट कीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम उस पर वीडियो अच्छे अच्छे आपके लिए 3-4 सवाल लेकर आऊंगा, डिटेल में सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, Now that's all for today's session. Have a nice day.